वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक जैपनीज रेस्टोरेंट में। अपनी फैमिली के साथ आप लोग भी कितनी बार खाना खाने जाते हो ज़रा याद करना, और हमेशा आप ट्राई करना कि इंडियन कुजीन छोड़ के जब भी कहीं बाहर मौका मिल रहा है तो किसी और जगह की कुजीन को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम वहाँ के बहुत सारे कल्चरल चीज़ों को जान जाते हैं। आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कुछ खास बातें जो जैपनीज कल्चर से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम वहाँ का खाना खा रहे हैं। जापान की जो नेशनल डिश है वो है राइस करी। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि करी का जो आविष्कार है, जो ईजाद है, वो भारत ने किया है। इसलिए जापान में इंडियन करी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पर। और अभी मैं वहाँ पर आपको एक चीज़ हॉर्स रेडिश बोलते हैं उसको, एक्चुअली उसमें ना हॉर्स है ना रेडिश है, लेकिन वो है, एक उसकी फ़ोटो दिखाऊंगी और फिर उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो आप इसी तरीके की मज़ेदार बातें इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। कि हम लोग चॉपस्टिक से खाना खा रहे हैं, क्योंकि जैपनीज खाना ज़्यादातर चॉपस्टिक से ही खाया जाता है। अपनी मर्जी है, अगर चॉपस्टिक से नहीं खाना तो छुरी कांटे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने यहाँ पर फुली वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया है, लेकिन आप अगर जापान के बारे में कुछ और चीज़ें, वहाँ के कल्चर के फूड के बारे में कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रही हूँ। सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए कुछ और मज़ेदार बातें। तो हमारा ये डिनर बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे लग रहा है आपको भी पसंद आ रहा होगा। खाना मेन यहाँ पर सुशी होता है और टाइप ऑफ नूडल्स होता है। तो सुशी को अगर हमको खाना नहीं आता तो वैसे भी उठाकर खा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीका होता है चॉपस्टिक। और चॉपस्टिक से खाना खाने का एक खास तरीका होता है कि दो चॉपस्टिक होती हैं, हम उन दोनों को ऐसे एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ से मिलाकर वो नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ये गैप होता है हमारी फिंगर्स का, उसी तरीके से हमें दो चॉपस्टिक को पकड़ना चाहिए ऐसे आगे पीछे करके, और फिर हमें वो खाना उठाने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस करके आ जाता है, तो इसमें बहुत बड़ी बात है। अब सुशी के बाद जो हमारी सेकंड डिश सर्व की गई है वो है नूडल्स, और ये बहुत सारी ग्रीन वेजेस से भरे हुए हैं। नूडल्स और वेजेस के इस तरीके के डिश को जब हम अपनी प्लेट में सर्व करते हैं तो हमें एक कांटा और चम्मच दोनों को साथ लेकर इस तरीके से उठा के अपनी प्लेट में लेना चाहिए, या किसी दूसरे को सर्व कर रहे हैं तो ऐसे ही लेना चाहिए। कभी कभी हम एक सिर्फ कांटे से ही उसको उठाकर सर्व करने लगते हैं तो उसमें वो लंबे लंबे नीचे गिर जाते हैं, इसलिए ये सही तरीका है इसको सर्व करने का। बहुत ही ज़्यादा सादी डिश थी ये, तो इसको भी किस तरीके से टेस्टी बनाएंगे या किसी दूसरी डिश को कैसे जैपनीज फूड में टेस्टी बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ और दिखाने भी वाली हूँ। तो बने रहिए प्लीज़ वीडियो में, और अब चलते हैं आगे। जगह की या तो पारंपरिक जो रीजन है उस वजह से चलता है, या फिर उस जगह की जो स्पेशल चीज़ें हैं उस वजह से मिलता है, जिसमें आता है कि वहाँ पर क्या पैदा होता है। तो जैसे जैपनीज खाने में ज़्यादातर सी फूड होता है, क्योंकि जापान में ज़्यादातर सी फूड ही अवेलेबल है वहाँ पर, इसलिए खाने को एकदम नेचुरल टेस्ट रखा जाए तो ज़्यादा स्पाइसेस यूज नहीं होते। लेकिन जो सी फूड है अगर उसको बहुत ही रॉ खाएंगे तो कुछ
बीमारियां भी होने का खतरा रहता है, तो इसलिए वहां पर उन्होंने एक चीज इजाद की है, वो है वसाबी। वसाबी दिखने में कैसी होती है, एक फोटो तो बनता है, आप वो फोटो देख लीजिए। इस फोटो में दिखाई हुई चीज को पहले छीलते हैं, कद्दूकस करते हैं, उससे बनती है वसाबी। वैसे वहाँ पर सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह भी यूज़ होती है, लेकिन इन सॉसेज में जो ग्रीन कलर के वो है वसाबी, और बाकी सॉसेज को मिला के इन नूडल्स को टेस्टी बनाया जाता है। ये वसाबी खाकर मेरा क्या हाल हुआ है जरा आपको दिखाती हूँ। मसाले का होता है, स्पाइसेस उसमें ना के बराबर होते हैं, क्योंकि सी फूड में हमको कुछ स्वाद भी तो आना चाहिए, और उसमें जो भी चीजें हमारे लिए हार्मफुल है रॉ खाने की वजह से, कोई चीज तो ऐसी हो कि हमको सेव कर सके हमारी सेफ्टी के लिए। तो वहां पर एक चीज इजाद की गई जिसका नाम है वसाबी, जो अभी आपने देखा उसको खाकर मुझे एकदम झटका लगा, वो होता है क्योंकि वसाबी जो मैंने आपको रूट की फोटो दिखाई है, रूट है या स्टेम है वो मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन उसको सिंपली कद्दूकस किया जाता है और बर्फ के पानी के बोल में उसको रख दिया जाता है, क्योंकि उसको ताज़ा ताज़ा ही सर्व करते हैं जापान में, और फिर उसको खाने के लिए दे दिया जाता है। तो उसमें इतना ज़बरदस्त जोर का झटका लगता है कि वो हेल्थ के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन जब भी खाना हो तो बहुत ही तिल के बराबर उसको खाना है। लेकिन अब उसको और भी बहुत तरीकों से बनाया जा रहा है, जिसमें कि चिली पाउडर, ग्रीन चिली पाउडर, हरी मिर्चों को सुखा के उसका पाउडर, या फिर जो हॉर्स रेडिश मैंने दिखाई है उसका सूखा हुआ पाउडर, जैसे कि हम अमचूर आम को सुखा के बनाते हैं उस तरीके से बना के रख सकते हैं, फिर उसमें थोड़ा नींबू, थोड़ा मस्टर्ड पाउडर वगैरह, सरसों का तेल मिलाकर उसको भी वसाबी की तरह पेश किया जा सकता है, और इवन हम घर में भी इसको बना सकते हैं। तो भास्कर ने वसाबी कम खाई थी तो उसको ये झटका कम लगा था। रेसिपी बता दी वसाबी की, अब आप इस रेस्टोरेंट का नाम देख लीजिए और हमारा वहां पर आया हुआ बिल देख लीजिए। जब इन्होंने हमें बिल दिया है तो उसके साथ ही इन्होंने हमें दो तरीके की कैंडी दी है, वो कितनी खूबसूरत पैकिंग में है वो आप देखिए। तो भैरवी ने पहली कैंडी टेस्ट कर ली, दूसरी भी टेस्ट कर ली, अब मैं आपको पहली कैंडी टेस्ट करके बताती हूँ और वो क्या है ये भी बताती हूँ। मैं वहाँ पर अपनी हुई बातचीत आपको नहीं सुना सकती क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक चल रहा है। तो ये पहली कैंडी बनी है जिंजर से, जिंजर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें कुछ चीनी के सिरप में इसको पकाया गया और बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जिंजर का टेस्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो इसका टेस्ट भी बहुत ही स्ट्रांग है। अब मैं दूसरी कैंडी टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि वो किस चीज़ से बनी है और उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है क्योंकि ये कोकोनट से बनी है और इसकी स्वीटनेस और कोकोनट की जो क्रीमीनेस है वो मिक्स होके उतनी तीखी नहीं लग रही जितनी जिंजर की लग रही थी। तो अब चलते हैं हम बाहर। इस तरह के जैपनीज रेस्टोरेंट आजकल आमतौर पर हर शहर में मिल जाते हैं। कोशिश की है कि एक झलक आपको रेस्टोरेंट के एम्बियंस की भी दिखा दूं। तो अब हम आ गए हैं पार्किंग में।
कैसे लग रहा है इंडिया में ड्राइव करना? अच्छा लग रहा है, सिंगापुर से अच्छा है। चलो मजा। तो दोस्तों घर भी हमें सही सलामत घर ले आई थी, और इसीलिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको जैपनीज फूड से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई और भैरवी के साथ एक यादगार शाम बिताई मैंने और भास्कर ने। अब वो वापस चली जाएगी सिंगापुर और आप देखेंगे हमारे चैनल पर और बहुत तरह की वीडियोस। तो कोई एक पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम जगह रखता है उसके साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।